भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी नेतागणों ने बोरियो के गोंडा पहाड़ जाकर मृतिका रेबिका पहाड़िन के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की। बता दें, पहाड़िया युवती रेबिका पहाड़िन की निर्मम हत्या कर उसके शव को कई टुकड़ों में काटकर फेंक दिया गया था। इस पूरे मामले पर शोक जताते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश के निर्देश अनुसार एक उच्च स्तरीय 21 सदस्यीय गठित टीम भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर उराव मृतिका के परिजनों से मिले और महिलाओं के प्रति हो रहे उत्पीड़न पर सरकार पर खूब बरसे। आइए नजर डालते हैं विस्तार से इस खबर पर। R9 भारत के लिए सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, साहिबगंज, झारखंड। सामने खुल करके आया है कि यहाँ की जो पहाड़िया जनजाति की महिलाएं हैं, जो लड़की है, उन लोगों को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। एक रैकेट काम कर रहा है, इन लोगों को बहला फुसला करके इन लोगों के करीब जाना, इन लोगों का शोषण करना। अगर उनके हिसाब से वो चल रहे होते हैं तो बहुत अच्छा चलता है, और अगर उनके विरोध में ये खड़े हो जाते हैं तो फिर उनको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती है। जिस निर्ममता और जिस बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है, ये हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस तरह का कोई काम भी होता है। हम लोगों ने हत्याएं बहुत सुनी है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा श्रद्धा ओकर की हत्या। उसमें क्या था, उन्होंने मर्डर किया और टुकड़े टुकड़े उन्होंने इधर उधर बिखेर दिए। लेकिन ये तो उससे भी और भी दिल दहलाने वाली घटना थी कि उन्होंने हत्या किया और उनके चमड़े तक को नहीं छोड़ा। ये सब क्या है, क्या इन लोगों का क्या चल रहा है, क्या मतलब साबित क्या करना चाहते हैं? हम लोगों के बीच में पूरे आदिवासी समाज में, पहाड़िया जनजाति आदिम समाज में भी ये एकदम भय का माहौल व्याप्त हो गया है कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। यहाँ की लड़कियाँ जो पहले हाट बाजार तक जा पाती थी, गांव में हटिया लगते थे, अब वहाँ भी जाने से कतरा रही। पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन इन्होंने और इन्हीं के इलाके में, अभी बरहेट नज़दीक में हमारे मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वह भी इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जितने सारे विभत्स कांड हो रहे हैं वो इन्हीं इलाकों में हो रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि उनके द्वारा और प्रशासन के द्वारा लगता क्या है कि आप सबको पता है संरक्षण जरूर मिलती है, तभी इतने निर्भीक तरीके से आदिवासियों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार करने में इस समुदाय के द्वारा या अपराधी तत्वों के द्वारा किसी तरह की कोई कोताही नहीं की जा रही है। मतलब निर्भीक होकर के अत्याचार कर रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। लेकिन आने वाले समय में अब यह नहीं चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा इस परिस्थिति को बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए निर्णय कर रही है, योजना बन रही है। इस प्रकार की घटना देश में प्रतिदिन बढ़ती है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इस प्रकार की घटना, आपका जो कथन है उस हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। घटना तो कभी होती है, घटना कोई एक होनी होती है, एक अनहोनी घटना होती है। लेकिन एक ऐसी घटना होती है जो कि आपके सत्ता के आते ही मैक्सिमम आदिवासी महिला के साथ या कोई भी महिला के साथ रेप केसेस होता है, मर्डर होता है या अपहरण होता है। तो कहीं ना कहीं आपका कमजोरी है क्योंकि ऐसी घटनाएं, क्योंकि आपका जो प्रशासन है कमजोर है। और कमजोर क्यों है, क्योंकि आप कमजोर हैं, इस वजह से ये ऐसी घटनाएं होती रही। और वो लोग साहस कर रहे हैं ऐसी घटना, क्योंकि उनको पता है कि प्रशासन हमें कुछ नहीं कर सकती है। तो अगर सरकार अपने आप को मजबूत रखती तो प्रशासन मजबूत होता। अब प्रशासन का जो भी कार्रवाई होता ना, उसे जो भी अपराधी करने से पहले हजार बार वो सोचता है।